जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव सतगुरपुर सोडिया की सोसाइटी को हम मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। यहां से हम पंजाब में पहला प्लॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों से संपर्क कर सस्ते दाम में प्रोडक्ट लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे, जिसका सोसाइटी को भी फायदा होगा और लोगों को भी। यह कहना था सहकारिता और जेल प्रशासन मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का। वह जिला फतेहगढ़ साहिब के गाँव सतगुरपुर सोडिया में चल रही सहकारिता सोसाइटी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। और वो भी साड़ी जी सोसाइटी पूरी प्रॉफिट पर चल रही है। तो सब तो बड़ी गल है कि उसके नाल ही नाल ही जिमें जो दुध लैके आता वो फैट उसे SNF नाल ही नाल ही वेट वो जी चीज़ा ने नाल ही पर्ची पर दसते हैं कि तेरा आ वेट है इन्ना तेरे को दुध लिया इन्ने पैसे तेरे बन के 400 रुपये बन के इन्हें फैट इन्नी है सारा कुछ असं करके ऑन द स्पॉट उन्होंने दे दें क्योंकि ये बड़ी पारदर्शिता आएगी। जोड़ा ये चलता सके दुध कोई किसान को डायर वो जी फैट घट आ गई वो चीज़ा असं बंद करने वाले पास हो रहे हैं। दूसरी संगत पूरा सोडिया की सोसायटी का देखना है और बड़ी खुशी वाली गल है कि 58 लाख रुपया इन्होंने इन्ह 8 सालों प्रॉफिट जोड़ा किसानों के अपने मैंबरशिप के लिया और पिछले साल इन्होंने 25 लाख तक जोड़ा प्रॉफिट चलिया बनाने लगे पंजाब की पहले इतों अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लगे कि जी कोई भी प्रोडक्ट ने बाहर प्राइवेट कंपनियों ना मोबाइल हो वाशिंग मशीन होई कूलर TV फ्रिज जो भी है वो असी करके इतों स्टार्ट कर लगे ता कि लोगों जी कि सोसाइटी में मिले और जोड़े फार्मर है जी को लैन आते हैं उन्होंने भी वो जो डिस्काउंट जरा वक्त मिल सके नाल ही असी इतने स्टार्ट कर लगे हैं। तो जोड़े लुब्रिकेंट्स ने ग्रीस आ गई मुगलैल आ गया जो कुछ चीज़ा जी ने 25% पंजाब HP वाले साढ़ा हिंदुस्तान पेट्रोलियम एग्रीमेंट हो गया मार्क करता वो भी इस सोसायटियाँ ने भेज के 25% वो भी किसानों सस्ता दिता। सर जेलों के जी कोई जी इंक्वायरी करवाई गई है वो पुरानी साइबर क्राइम ने जोड़े कटे ने पुरानी जी चल रही हैं एक अभी जी हिंसा वाली आई थी इंक्वायरी करके सगो एप्रीशिएट करो कि असी गंद जरा खून च रहे साफ कर रहे हैं जो 10 सालों का ये तो सगो सागो सपोर्ट करनी चाहिए है कि मिनिस्टर खड़ा हो कि ये कवे कि मैं गंद खत्म कराँगा पिछले 10 साल या पुराना कभी जेल मिनिस्टर तुम्हें वेख्या नहीं कि जेलों का डिपार्टमेंट ही किसी को नहीं पता तो जे जेल मिनिस्टर उठ के कहता कि मेरिया आ कमियां मैं दूर कराँगा तो वह मैं लोग पब्लिक न शेयर कर रहा तो मतलब एप्रीशिएट करना चाहिए जिते सू जी कोई गल हों मैं आप टेलीफोन करके उन्होंने कहना कि इस चीज़ के देखो साढ़िया 6 जेलों के जोड़े मोस्ट वॉन्टेड जो गैंगस्टर ने वो बंद ने उन्होंने जेलों के उत्ते सू सख्त निगरानी रखनी पैनी है जेडे कोई जोड़ा कोई बैड एलीमेंट हों उन्होंने किसी ना किसी पास कोई ना कोई राह मिल जाता उस चीज़ में बड़े अगर पहला नालों से बहुत चंकी पद्धर से उन्होंने रोकया भी तो रोकों भी ये मुश्किलों तो आदि ने पर कामयाबी साड़ी होगी योजी नहीं होगी कि किसी को पताई की होगी तो उन्होंने बख्शा जाए। अज इतने सहकारिता मंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी आए हैं सब तो पहला मैं उन्होंने दिया आया कहना जो साडे इलाके आके उन्होंने एक पलीठी फेरी पाई है और खास तौर पर उन्होंने मिल्क सोसायटीज़ के कोऑपरेटिव सोसायटियां देखने का जिहड़ा उन्होंने एक अज इत्थे प्रोग्राम बनाया सीगा जिथे मिल्क सोसायटी देखी है कोऑपरेटिव सोसायटी भी एक प्रॉफिट वाली तो एक लॉस वाली जिहड़ी है वो उन्होंने देखने वास्ते जा रहे हैं। तो ये जिहड़ा सहकारिता महकमा है उहदे विच जिहड़ा एक नवा रेगुलेशन साडे मंत्री साहब लियाउणा चाहुंदे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी लियाउणा चाहुंदे ने उहदी एक पहल है तां कि लोकां नूं दा इह जिहड़ा महकमा है इहने इह लोकां नूं जोड़दा है किसी भी पार्टी का होवे किसी भी वर्ग का होवे इस जदों सहकारिता ते सोसाइटी दे विच आउंदा आ तो सारे एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो और एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो के वो अपनियां मुश्किलां नूं समझदे होए उन्हां दा समाधान कढ़दे और उन्हां दे समाधान दे नाल ही मुश्किलां दे हल दे नाल ही फिर वह अगे वधदे ने। सो अज किसानी दे विच खास तौर पर मैं ये सारा सरकार महसूस करती है कि सानू जिन्ना चिर तक असीं सिर जोड़ के बैठ के अपनी किसानी दे वास्ते सोचांगे नहीं और कोई अगले का प्रोग्राम नहीं करांगे उदों तक नहीं बनावांगे नवे प्रोग्राम उदों तक किसानी नूं उत्ते नहीं चुकिया जा सकता और किसानी नूं उत्ते चुकन लई सहकारिता मुहिम नूं बड़े वड्डे लैवल दे उत्ते विढ़न दा जिहड़ा पंजाब सरकार ने उपराला कीता मैं उहदे लई रंधावा साहब दा कैप्टन साहब दा धन्नवाद करदा। ये थां थां ते जाके अज देखो किड्डी वड्डी गल है कि अज कोई भाषण नहीं
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।